विनेश फोगाट ने कुश्ती से लिया संन्यास, एक्स पर लिखा, माँ कुश्ती मुझसे जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आप सबका, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके। विनेश फोगाट के संन्यास की घोषणा पर हरियाणा के सीएम का एक्स पर पोस्ट, लिखा, विनेश हम सबके लिए चैंपियन है, मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा विनेश का स्वागत। विनेश के संन्यास पर बोले रेसलर बजरंग पुनिया, विनेश आप हारी नहीं है, हराया गया है, हमारे लिए आप हमेशा विजेता ही रहेंगी, आप भारत का अभिमान। विनेश की बहन बबीता फोगाट ने बीपी न्यूज से कहा कि विनेश का योग्य होना देश का दुर्भाग्य है, इसमें साजिश जैसी कोई बात नहीं है। पीएम मोदी ने बढ़ाया विनेश फोगाट का हौसला, सोशल मीडिया पर लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन है, आप भारत का गौरव। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने कहा कि मैंने देश के लिए पदक जीतने की पूरी कोशिश की, मगर मैं इसमें रह गई, अगली बार देश को पदक दिलाने की पूरी कोशिश। रेसलिंग में भारत को बड़ा झटका, अंतिम पंगल 53 किलोग्राम भार वर्ग के पहले मैच में ही हारी, तुर्की की यिनेप येटगिल ने अंतिम को 10-0 से मात। काशी के संतों ने जताया बांग्लादेश में हिंदुओं पर जाति का विरोध, संत समिति ने की बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग। प्रयागराज के संतों ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा देने की मांग की है, हिंसा नहीं रुकी तो अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत में शरण मिले। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन, हिंदू महासभा ने हजरतगंज में किया प्रदर्शन। जम्मू में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बांग्लादेश का पुतला जलाकर जताया विरोध। बांग्लादेश की घटना पर आचार्य रामचंद्र दास का बयान, बोले अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। सलमान खुर्शीद के बयान पर भड़की बीजेपी, संबित पात्रा बोले ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की किस प्रकार की सोच है। बांग्लादेश को लेकर महबूबा मुफ्ती के भी विवादित बोल, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा भारत को उससे लेनी चाहिए सीख। आज लोकसभा में पेश किया जाएगा वक्फ बोर्ड अधिनियम का संशोधन बिल, किरण रिजिजू करेंगे पेश। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हुआ मंथन, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, आदित्य ठाकरे और संजय राउत मौजूद। राहुल गांधी ने महाविकास आघाड़ी की जीत का किया दावा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एमवीए की मीटिंग, 16 अगस्त को होगी रैली, बड़ी बैठक। महाराष्ट्र में एनसीपी एसपी की शिव स्वराज यात्रा, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बताया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषित किया अपना तीसरा उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही बीजेपी जारी कर सकती है अपने प्रत्याशियों की लिस्ट। केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की नई चार्जशीट, तेजस्वी यादव ने कहा इससे कुछ नहीं बदलेगा। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। बिहार के बगहा में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या, सैलून में सिर में गोली मारकर फरार। गुजरात हाई कोर्ट का आदेश, 15 दिनों के अंदर बाइक चलाने वाले और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट लगाना जरूरी। रिजर्व बैंक आज करेगा मौद्रिक नीति का ऐलान, बड़ा सवाल, क्या रेपो रेट में होगा बदलाव। शेयर बाजार में जारी 3 दिन से गिरावट रुकी, बीएसई सेंसेक्स 1.11% उछलकर वापस। राजस्थान के टोंक में आपत्ति बारिश, टोडी सागर ओवरफ्लो होने से मालपुरा टोडा रायमार्ग हुआ बंद। राजस्थान की जोधपुर में बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली। बारिश के कारण पाली में एक बांध पानी से हुआ ओवरफ्लो। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सोन नदी और मंदाकिनी नदी के संगम के पास बना अस्थायी पुल बहा। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर भरा पानी, पानी निकालने के लिए कोशिश जारी। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, कई घाट टूटे। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर बड़ा गंगा का जलस्तर, घाट पानी में डूबने से आरती करने में परेशानी। वाराणसी में तेजी से बढ़ते गंगा के जलस्तर से बड़ी परेशानी, प्राचीन शमशान घाटों पर शब्दा में आ रही दिक्कत। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, बड़े हनुमान जी मंदिर तक पहुंचा पानी। बिहार में आफत की बारिश जारी, गंडक गंगा और सोन नदी का बढ़ रहा है जलस्तर। भारी बारिश के बाद जम्मू में बिगड़े हालात, घर से लेकर सड़क तक कई फीट पानी भरा। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में बाढ़ का कहर, कारवार में काली नदी पर बना पुराना पुल ढहा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 60 सेकंड में न्यूज, जिसके लिए चलते हैं आपको मेरे सहयोगी विवेक के पास।
धन्यवाद आयुषी। और शुरुआत इसकी एक बड़ी खबर से करने जा रहा हूं। कल जो एक सदमे वाली खबर आई पेरिस से, अब उसके बाद विनेश फोगाट ने ऐलान कर दिया है संन्यास का। उन्होंने कहा कि हिम्मत अब टूट चुकी है और उसके बाद विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। विनेश फोगाट ने आगे इसमें लिखा अपने ट्वीट में कि हिम्मत अब टूट चुकी है, अब इससे ज्यादा ताकत नहीं है, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफ कर दो, कुश्ती मुझसे जीत गई, मैं हार गई। तो विनेश फोगाट का ये ट्वीट, और उन्होंने इसी के साथ ही कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि ज्यादा वजन की वजह से ओलंपिक से वो कल डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी। तो जो विनेश फोगाट हैं, कल वो डिस्क्वालीफाई की गई और उसके बाद से पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ गई है, क्योंकि इसके पहले ही वो अपना जो सिल्वर मेडल है वो पक्का कर चुकी थी। उसके बाद वजन ज्यादा होने की वजह से अचानक से विनेश फोगाट को बाहर कर दिया जाना, अब एक पूरा धड़ा जो है वो इस पर बहस कर रहा है कि वो हकदार थी मेडल की, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से अब वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई। विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष इसको ओलंपिक में हुए इस फैसले को विनेश फोगाट के खिलाफ साजिश बता रहा है। कोई इसमें यह भी मांग कर रहा है कि भारत सरकार इसमें दखल दे और विनेश को भारत रत्न देने की मांग भी हो रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसे साजिश बताया है। कौन है वो जिसने हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट की पीठ के अंदर छुरा घोंप दिया? इस बेटी से अन्याय हुआ, षड्यंत्र हुआ। टीएमसी ने विनेश फोगाट को भारत रत्न देने की मांग की है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि विनेश फोगाट को या तो भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए या फिर राज्यसभा के लिए नामित करना चाहिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा कि विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जाँच पड़ताल हो। विनेश को डिस्क्वालीफाई किए जाने का मामला संसद में भी गूंजा, खेल मंत्री को जवाब भी देना पड़ा। भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी, लेकिन इस बिल के आने से पहले ही इस पर सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश करेंगे। बिल की कॉपी सांसदों को दे दी गई है। कैबिनेट ने 2 अगस्त को बिल को मंजूरी दे दी थी। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की शक्तियों और कार्य प्रणाली में सुधार की मंजूरी दी गई है। सरकार ने वक्फ एक्ट में लगभग 40 संशोधन को मंजूरी दी है। वक्फ बोर्ड की शक्तियाँ सीमित की जा सकती है। बोर्ड की संरचना में बदलाव संभव है। निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिल सकता है। वक्फ की जमीन का सत्यापन सुनिश्चित हो सकता है। वक्फ एक्ट में बदलाव की चर्चा के बाद से ही विरोधियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वक्फ बिल पर जमीयत उलमा हिंद के चीफ अरशद मदनी फ्रंट फुट पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान हर नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा मदनी ने अलग अलग दलों के सांसदों को 4 पेज का प्रस्ताव भेजा है ताकि वो संसद में इस बिल का विरोध कर सकें। बांग्लादेश में तख्ता पलट के 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बांग्लादेश में हालात सामान्य नहीं हुए हैं। इसी बीच आज शपथ ग्रहण भी होना है बांग्लादेश में नई सरकार का, और यह भी तय हो गया है कि शेख हसीना अभी कुछ दिनों तक भारत में ही रहेंगी।